मारेगांव में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रा बाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर निषेध व्यक्त किया गया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के निषेध में मारेगांव में वास्तव्य रहे आंध्र प्रदेश के किसानों ने चंद्रबाबू नायडू की रिहाई के लिए तहसीलदार को एक निवेदन दिया तथा उनके सैकड़ों समर्थकों ने केंद्र सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार का जमकर निषेध व्यक्त किया। तो सुनिए इस मौके पर इस आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। हम पूरा जितना लोग यहाँ पे जमा है, हम सब आंध्र से इधर आए खेती करने के लिए और हमारा जो लीडर है, विजनरी लीडर है नारा चंद्रबाबू नायडू जी, वहाँ पे कोई विदाउट रीजन से उनको अरेस्ट किया जाया है इन केस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसलिए केंद्र सरकार, हमारा आंध्र की राज्य सरकार ने उनको जल्दी बाहर छोड़ना चाहिए। उसका नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने एक विजनरी लीडर है, इसलिए हम सब लोग बाहर से उनको मदद कर रहे, नॉट ओनली इवन फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, हर कंट्री, इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका, इन सिंगापुर, ऑल पीपल आर गिविंग सपोर्ट टू हमारा नारा चंद्रबाबू नायडू। देर इज नो रीजन फॉर अरेस्टिंग हिम। आंध्र प्रदेश की सीएम इस रेड्डी को, उसको कोई विजनरी नहीं है। ही वॉज डूइंग स्किल डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने भी इसमें विलीन होके हमारे चंद्रबाबू नायडू जी को जरूर बाहर निकलना चाहिए। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई आंध्र प्रदेश को कोई राजधानी नहीं है। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें रोल लेके हमारा नारा चंद्रबाबू नायडू जी को जरूर बाहर निकलना। खाली आंध्र प्रदेश की नेता लोग बात करने से कोई नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उसमें डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कोई डिसीजन आएंगे नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती हमको कोई इसमें लिंक नहीं है, हम लोग बोलते फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम चंद्रबाबू नायडू जी से हम बात कर रहे। इन लोग ही जानबूझ के हमारा लीडर को अरेस्ट किया। आप लोग देख रहे कि देश में आज क्या चल रहा है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाली डेवलपमेंट करना चाहिए और विजनरी लीडर को बाहर रखना, खाली केवल राज्य के लिए नहीं है, हमारा पूरा देश के लिए है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारा चंद्रबाबू नायडू जी को वहां से जेल से छोड़ना जरूरी है, नहीं तो हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग ऐसी रैली निकलते रहेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से। पूरा हमारे लोग ऑलरेडी कर रहे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट केला करता नी आज आम्ही नाही का नास्तकारी लोकांना सगळे जण मिळून आज हे निरसन कार्यक्रम विजय करतानी आज कसा 80 वर्षाचे जवळपासचे वही मंदीचे होते ते चंद्रबाबू नायडू आज नाही का अरेस्ट केलेलं आहे। विजय करतानी आम्ही सब लोक नाही का निरसन करून राहिलेलं आहे। महाराष्ट्र प्रभुत्व चांगला मदत दिला, आम्ही पोलीस लोक चांगली मदत दिला, परमिशन दिली, एवढा मीडिया मित्र आम्हाला साकार दिला, सगळ्या लोकांना धन्यवाद। आमच्या चंद्रबाबू नायडू साठी आम्ही मदत करासाठी एवढा लोक रॅली करताय, आम्ही लय दूर आला तरी आहे ना बाबू साठी करताय एवढा परिश्रम। सी टीव्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि दिलदार शेख की रिपोर्ट।